राजधानी भोपाल में रातीबड़ थाना पुलिस एक और कार्रवाई टीटी नगर संभाग के तीनों थानों से टीम बनाई गई। भोपाल में आरोपियों ने आधा दर्जन से ज्यादा चोरी नकबजनों की वारदात को दिया था अंजाम। रेकी कर वारदात को देते थे अंजाम, मंदिर और सोने घरों को बनाते थे निशाना। आरोपियों से थाना टीटी नगर, रातीबड़, कमला नगर, कटरा हिल्स, बाग, सेवनिया, पिपलानी थाना और मंडीदीप, जिला रायसेन की चोरी नकबजनी का हुआ खुलासा। आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात, कार, मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी, नकदी समेत वारदात में प्रयुक्त वाहन और औजार समेत 45 लाख रुपए का मशरूका किया जब्त। कोलार, कमला नगर, शाहपुरा बाग, सोनिया, चूना भट्टी, गांधीनगर, क्राइम ब्रांच सहित राजधानी के कई थानों में चोरों ने कब्जा नहीं छोड़ी। छेड़छाड़ के दौरान दर्जन अपराध हैं दर्ज। आरोपी पर दर्ज राजगढ़ और भोपाल के रहने वाले सभी आरोपी को पकड़ने के लिए एसीपी टीटी नगर चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में टीम ने काम किया। सभी को भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा द्वारा नगद पुरस्कृत भी किया गया। उसमें प्रथम दृष्टि आपने ड्रिंक की काफी समस्या है, उसमें उसको अलग से चर्चा करेंगे, उसके बारे में नहीं है, उसमें जांच आदेशित की गई। अभी तो इनके पास से बरामद किया गया, लेकिन कुछ लोगों के नाम भी पुलिस अभी इस पर बात कर रही है कि अगर इन्होंने कुछ और को बेचा हो या कुछ और सामग्री या कुछ और नकबजनियाँ इनसे मिलती हैं तो पुलिस इसके बारे में आगे तस्दीक करेगी। कितनी कीमत का माल है ये? लगभग 40 से 50 लाख रुपए के आसपास की कीमत है। सर, ये आप इस तरह से कहें कि पुलिस इतना जल्दी जल्दी रिकवरी कर रही है, इसमें चोरियां तत्काल की नहीं है, चोरियां पुरानी भी हैं। ये चुरानियाँ लंबे समय से चोरियां जो हैं, अगर हम ओवरऑल अभी हम लोग समीक्षा कर रहे थे, लगातार जो खासतौर पे जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है उसमें कमी आई है। प्रॉपर्टी ऑफेंस में अगर ओवरऑल हम पूरे किसी खास सब रिविजन की या पूरे अगर कमिश्नरेट की बात करें तो महत्वपूर्ण जो घटक हैं जो संवेदनशील वेट्स होते हैं उसमें कमी आई है। पुलिस इसलिए कमी आई है कि पुलिस अगर तत्काल उन पर तत्परता से कार्रवाई करती है, पकड़ती है या फिर उसमें सजा होती है तो इससे अपराधियों के हौसले गिरते हैं। बहरहाल पुलिस ने इसको बहुत ही प्राइम फोकस में रखा है, बहुत ही इसको मुख्य अपने टारगेट जो केंद्र बिंदु में रखा है कि ज़्यादा फायदा इसमें कार्रवाई हो। नकबजनियाँ निश्चित तौर पर हुई है उन घरों में हुई हैं जिन घरों में जो शहर के थोड़ा आउटर इलाके में है, जिन इलाकों में जो घर सूने हैं उन घरों में हुआ है। और इसको लेकर के मैं खासतौर पे ये बात भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि पुलिस ने पिछले दिनों किराएदारों की गार्ड्स की चेकिंग का अभियान भी चलाया है। अभी आज से अगले एक सप्ताह तक पुलिस इसके लिए विशेष अभियान शुरू कर रही है, जिसमें खासतौर पर सभी से पुलिस का खासतौर पर सभी कॉलोनियों में पुलिस इस बात के लिए वहाँ पर अभियान चलाएगी, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि वहाँ पर जो जितने गार्ड्स हैं, खासतौर पर जो वहाँ पर नौकर हैं, जो किराएदार हैं, इनका वेरिफिकेशन कराएं, वहाँ पे देखें कि जो सुरक्षा अगर कैंपस कवर्ड है तो वहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं, वहाँ पे पर्याप्त गार्ड्स हैं कि नहीं, उनकी जानकारी पुलिस तक दें। या जो फॉर्म है थानों से प्राप्त किया जा सकता है, ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, सृजन पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ कमिश्नरेट कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, तो हम उसको गंभीरता से लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारियाँ उपलब्ध कराएँ, क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना होने की स्थिति में यह जो जानकारी हम थाने को देते हैं या व्यक्ति का जो वेरिफिकेशन होता है वो अपराधियों तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होता है, इसलिए इसको हम गंभीरता से लें और आने वाले दिनों में पुलिस की लगातार इस कार्रवाई से और इस तरह के अपराधियों को फैलेंगे।